यार टाइम ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। एक तो साला फ़ोन टूट गया, उसके वजह से मूड ख़राब है। ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लाइट ऑफ हो जा रहा है। मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों अलग अलग होता है, दोनों को सिंक करके ही मैं वीडियो कंप्लीट कर पाता हूँ। लेट्स सी ये वाला वीडियो मैं रिलीज़ कर पाता हूँ या नहीं। कल रात को मैंने 11:30 बजे ही भाई स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था और मुझे स्ट्रीमिंग मिल गई थी अमेजन प्राइम पे। एक मिनी का था भाई, सोच रहा था इसका टॉपिक क्या है। मैंने उतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया था, ना ही ट्रेलर देखा था, बस मैंने देखा कि रिलीज होने वाला है और ये एक लाइट सी मूवी होने वाली है। वैसे एक चीज बता दूं, अगर ये वीडियो जो आप खुले में देख रहे हो तो प्लीज मत देखो, हेडफोन लगा लो क्योंकि इंडियन पेरेंट्स धो डालेंगे, तो प्लीज लगा लो। लगा लिया ना? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपके पप्पू के बारे में, हमारे पप्पू के बारे में और जितने भी लोगों के पास पप्पू है उन सब के बारे में। यानी भाई साहब जो है अपने पेनिस को लेकर के बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं। इस कहानी की और मेन टॉपिक की जो शुरुआत होती है वो 2007 के टाइम पे दिखाया जाता है कि स्कूल में एक लड़का जो है टॉयलेट में जाता है, उसके साथ में उसका दोस्त भी रहता है, वो लड़का कोई और नहीं हीरो रहता है। भाई जब पेशाब कर रहा होता है तो उसी वक्त में जो उसका दोस्त झांक करके देख लेता है, अरे तेरे इतना छोटा है। बस ये बोलना था कि हीरो के दिमाग में एक टेंशन बैठ गया कि मेरा छोटा है। अब वो सोते बैठते उठते बैठते चलते हर जगह पे बस यही दिमाग में चल रहा है कि भाई छोटा है, अब इसका क्या किया जाए। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़े होने के बाद भी जो है इन सारी चीजों से थोड़ा दूर भागता है कि भाई सबको पता चल जाएगा कि मेरा छोटा है, और इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा वो टेंशन में रहता है। अब जब बचपन में इसी सवाल को लेकर के अपने बाप के सामने जाके पूछता है कि भाई सामान जो है वो कितना बड़ा होता है, मेरा वह छोटा है क्या, बस ये सुनते ही बाप धो डालता है। और ये चीज दर्शाती है कि भाई हमारे इंडियन पेरेंट्स इस बारे में बात करने से कतराते हैं, जो कि अभी के टाइम पे फिलहाल तो ऐसा नहीं होने वाला है। वी कैन टॉक विद आवर चिल्ड्रन, और हो सकता है कि आप लोग पेरेंट्स भी जो है शायद बात करते हो। अगर बात करते हैं तो अभी निकाल दो हेडफोन, निकाल दो, साथ में बैठ के वीडियो को कम्प्लीटली देख लो। सो बैक टू द टॉपिक, स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो स्टोरी में आगे चल के पता चलता है कि भाई हीरो की एक गर्लफ्रेंड बनती है और वो गर्लफ्रेंड जो है उसे बुलाती है घर पे कि भाई घर पे कोई नहीं है, आ जाओ हम लोग ओएस करेंगे। हीरो जैसे ही पहुंचता है और शुरू होता है उसके, ऐसे लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलती है माय गॉड इतना छोटा है तुम्हारा, निकलो यहां से। भाई ब्रेकअप हो जाता है उससे। इसके बाद से घर पे जो ऐसे वैसे भी चिंटू करके चिंता करके चिमना चिमनी कुछ तो ऐसा करके उसको बुलाते हैं, जो कि जिसका मीनिंग होता है कि भाई छुटकू। अब वो कहता है तुम मुझे फुद्दू कह लो, डोंकी कह लो, मंकी कह लो, लेकिन ये छुटकू मत बुलाया करो। अब ये जो चीज जिस तरह से स्टोरी में डेवलप किया जाता है धीरे धीरे, इससे यही समझ में आता है कि हीरो जो है इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने दोस्त को बता ही देता है कि किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है। भाई शराब पीते पीते कान में बता देता है भाई मेरा बहुत छोटा है, और ये सुनते ही वो भी सोच में पड़ जाते हैं क्या बात है यार। यहां से अगर टॉपिक के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मानो तो भाई यहाँ पे जो है ना एक लॉजिक आता है, वो लॉजिक ये है कि सभी को अपना बड़ा लगता है और इस मामले में सभी को अपना छोटा लगता है। हाँ देखो बड़ा लगता है, मैं सबको अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है, और जिसको छोटा की बात कर रहा हूँ तो भाई जो लोग बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म देखते हैं उसी में से तो भाई आप जिनका छोटा लगता है शायद उन्होंने ब्लू फिल्म के अंदर में देख लिया है कि भाई कितने बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में तो ऐसा नहीं होता कि वो अपने दोस्त के केले को देख रहे हो और बोलते हो भाई तेरा केला जो है बड़ा वाला है, मेरा तो यार यहाँ पे काजू किशमिश जैसा चल रहा है मामला। हाँ ऐसा तो नहीं ना है। तो भाई इसी चीज को जो है आप थोड़ा कम कर दोगे तो ये सवाल आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सवारी करने के लिए बैठोगे तो यू विल बी द किंग, ट्रस्ट मी, एंड शी विल मूनिंग लाउडर देन लाउडर। क्या बकवास कर रहा हूं मैं। चलो लेट इट बी, कहानी पे वापस आते हैं। तो कहानी पे यही रहता है कि हीरो बहुत बुरी तरह से परेशान है और पहुंच जाता है हॉस्पिटल में अपना सामान को बड़ा भरने के लिए। अब यहां से जो है कहानी आगे नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए, और हो सकता है कि स्पॉइलर हो जाएगी यार। जो तू ह्यूमर था, जो भी मतलब एक सस्पेंस था वो तू खोल दे रहा है, तो मेरी मानो तो ये एक डिसेंट सी स्टोरी है। और अगर ये रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी होती तो हमें ज्यादा मजा आता, ताकि हम उस चीज को ज्यादा इंजॉय कर पाते, वो जो भी जोक्स ऑन स्क्रीन चल रहा था। हमें सब टाइटल का सारा लेकर के पूरा फिल्म देखना पड़ा है। ट्रस्ट मी क्लाइमेक्स इज लिटिल डिसेंट, और शायद ये वहां के जो है आयुष्मान खुराना है, क्योंकि आयुष्मान खुराना अपने टॉपिक को लेकर के बहुत माने जाते हैं कि वो एकदम हट के टॉपिक लेते हैं और जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही रहने देते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये मूवी आप देख सकते हो लेकिन फैमिली के साथ नहीं, और उन सारे ह्यूमर का जो है मजा उठा सकते हो। और आप भी पता नहीं कौन कौन सी चीजों को और कौन कौन से मजाक को आप रिलेट कर पाओ, जस्ट लाइक ब्लू फिल्म देखना दोस्तों के साथ में, और उस वक्त में आप जब बीच में भी हूं इधर, तो वो वाली चीज जो है आप इमेजिन कर सकते हो। बॉस ट्रस्ट मी इमेजिन कर सकते हो कि आपने भी कभी तो कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की है। तो डायरेक्शन की बात की जाए, स्टोरी की बात की जाए, स्क्रीन प्ले की बात कर ली जाए, या फिर एक्टिंग की परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, एवरीथिंग इज ओकेश, नॉट सो गुड नॉट सो बैड,
ठीक है, आप देख सकते हो, वन टाइम वॉच है, देखने के बाद से यार थोड़े मजे लो। और हाँ, दिमाग से ये निकाल दो कि भाई आपका केला केला नहीं इलायची है, या फिर जो भी सब लैंग्वेज में हम लड़के लोग बोलते हैं, ये निकाल दो। एंड गर्ल्स, एक चीज़ आपको भी समझ में आना चाहिए कि जब शेर सवारी करता है तो फिर दहाड़ शायद आपके कान फाड़ सकते हैं। That's it. I'm very sorry अगर कोई भी joke आप लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन कोई भी joke अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन यार trust me, it was a good movie. आप जाकर के देख सकते हो, और लगभग 2 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा. So that was my honest opinion and honest reaction on this movie. What's your take? अगर आपने देख लिया, आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना. और ये topic अभी तक किन किन रीजन में छुआ गया है वो भी बताना, अगर आप उस रीजन से बिलोंग करते हो और आपने अगर उस रीजन की मूवी देखी है तो. सो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो. वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद. मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता.